भारतीय सेना ने पाक आर्मी से चुकता किया 6 महीने पुराना हिसाब। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने और प्रताड़ित करने वाला हुआ ढेर। जी हां, भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने वाले पाकिस्तानी कमांडो को सुरक्षा बलों ने सीमा पर ढेर कर दिया है। नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षा बलों की गोलाबारी में सूबेदार अहमद खान मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के एक सूबेदार अहमद खान को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के नकियाल सेक्टर में 17 अगस्त को उस वक्त मार गिराया जब वो भारत में घुसपैठियों की एंट्री कराने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने जब 27 फरवरी को अभिनंदन के पकड़े जाने की तस्वीरों को जारी किया था तब उसमें दाढ़ी वाले सैनिक अहमद खान को भारतीय पायलट के पीछे खड़ा देखा जा सकता है। पाकिस्तान की मीडिया में ये भी तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के लोगों ने अपनी बहादुरी के तौर पर इसका महिमा मंडन किया था। हालांकि अब भारतीय सेना ने हिसाब चुकता कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप में शामिल सूबेदार अहमद खान ने अभिनंदन को हिरासत में लेने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया था। बताया जाता है कि अहमद खान नौशेरा, सुंदरबनी और पल्लन वाला सेक्टर में घुसपैठ करवाता था। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराकर खान और उसके साथी कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने का प्रयास करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उसे विशेष रूप से तैनात किया था। सूत्रों के मुताबिक अहमद खान ने कश्मीर में आतंकवादियों के घुसपैठ के लिए फॉरवर्ड पोस्ट पर जैश ए मोहम्मद के ट्रेंड आतंकियों को इकट्ठा किया था। 17 अगस्त को घुसपैठ कराने के लिए पाक सेना ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में मोर्टार से हमला किया जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाक कमांडो अहमद खान मारा गया। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। सेना की इस कार्रवाई में सीमा पार से चल रहे कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस एक्शन के अगले ही दिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अभिनंदन को उस वक्त पकड़ा था जब उसका MiG-21 विमान पाकिस्तानी विमान का पीछा करते समय क्रैश हो गया था। हालांकि बाद में भारत के दबाव के चलते अभिनंदन को महज कुछ घंटों के भीतर ही रिहा कर दिया गया था। इंडिया न्यूज़ बैरल की रिपोर्ट।